वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग वर्क करने वाले हैं गोल वेट पे। तो व्हाट इज गोल वेट? बेसिकली हम लोग जब गोल वेट कनेक्ट करेंगे तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा मैं रेडियस इंक्रीज कर रहा हूँ, वर्टेक्स में जाऊँगा तो हर एक वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर बेसिकली मेरा एक पार्टिकल कनेक्ट हो जाएगा सिस्टमैटिकली, और उसको हम लोग एक अलग तरीके से यूज करेंगे। तो देखेंगे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको। हम लोग बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग आज देखेंगे एक नया चीज, मैश नेटवर्क, और मैश नेटवर्क से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मेरा एक बेसिक वैदिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्फीयर ले लूंगा मैं एक बेसिक, और या तो क्यूब ले लूंगा, उसको हम लोग बेसिकली इससे कनेक्ट करेंगे। वो भी धीरे 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 ग्रेजुअली फॉर्म होगा और उसके ऊपर हम लोग कुछ और एडिशनल कुछ ट्वेल्स और सब कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, काफी ड्रामेटिक होने वाला है आज का सेशन। तो मैं एक बेसिक न्यू सीन ले रहा हूँ वापस से और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्फीयर ले लिया है और सिंपल यहाँ पे मैं इसका जो रेडियस है इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ले सकते हैं। इवन आप इसका सब डिविजन और इंक्रीज कर सकते हो तो थोड़ा देखने में और ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। बट बहुत अच्छा अगर सिस्टम का कॉन्फिगरेशन है और ड्रामेटिक करना है तो इंक्रीज कर सकते हैं, नो इश्यू। फाइन, नेक्स्ट सिंपली हम लोग जाएंगे एन पार्टिकल्स में, जस्ट क्लिक ऑन एन पार्टिकल्स और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे क्रिएट एमिटर। कुछ नहीं करना है, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है रिसेट कर रहा हूँ, जस्ट क्रिएट कर रहे हैं, नो चेंजेस। एमिटर को साइड में रख लो और मेरा जो पार्टिकल है मेरा पार्टिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस करके स्फीयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पार्टिकल प्लस स्फीयर दोनों सिलेक्टेड है। हम लोग जाएंगे एन पार्टिकल्स में, यहाँ पर मैं इसको दूंगा गोल, और अगर मैं रिसेट करूं तो गोल बाय डिफॉल्ट 0.5 है, मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करना है लाइक मेरे वर्टाइसेस पर। मैं जस्ट क्रिएट कर रहा हूं और आप लोग खुद रिजल्ट चेक करो कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मेरा पार्टिकल सिलेक्टेड है और मैं प्ले कर रहा हूं, तो यू कैन सी कि वो फॉर्म होना शुरू हो चुका है। मैं प्ले कर रहा हूं तो वो फॉर्म हो रहा है, सिंपल, एकदम सिंपल है, लाइक वो फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है, जस्ट सिंपली फॉर्म हो रहा है, डन, सिंपल है, इतना ही है। लेट्स से कि यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स टेक अनदर शेप, और एक स्फीयर ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे इसका रेडियस भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो स्फीयर है मेरा स्फीयर वन, थोड़ा सा और ड्रामेटिक करने के लिए इसको मैं कर दे रहा हूँ 40 डिविजन पॉइंट्स को, और इससे भी हम लोग कर देंगे 40। ओके, काफी सिंपल है, दोनों को 40 कर दिया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्टिकल है ये कुछ टाइम के बाद में, जब ये फॉर्म हो जा रहा है, लेट्स सी कभी फॉर्म हो रहा है वो, तो अभी बहुत टाइम के बाद वो फॉर्म होगा, तो उसको काफी टाइम लगेगा फॉर्म होने के लिए। तो वो केस में हम लोग यहाँ पे जो एमिटर का जो ये है रेट है, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ 500 करके देखते हैं, बट मुझे वो ग्रेजुअली दिखाना भी है कि स्मूथली वो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये 500 इज टू मच, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। 200 चेक करते हैं, थोड़ा सा स्मूथली होना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है हम लोगों का, लेकिन लेट्स चेंज इट टू 300 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ ठीक है चलेगा, तो हम लोग थोड़ा बढ़ा देगा 400 फ्रेम्स का कर देता हूँ मैं, जस्ट प्लेन सेकेंड। तो अराउंड इस पर्टिकुलर फ्रेम पे 137 तो फॉर्म हो चुका है, नो इश्यू। और हम लोग को चाहिए कि ये जो पार्टिकल है अभी बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह पे, और यहाँ पे आपके और हजारों लाखों शेप्स हो सकते हैं, आप सब पे ट्रांसफर कर सकते हो, वही सेम पार्टिकल अलग अलग जगह पे शिफ्ट इजीली किया जा सकता है। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे अभी। तो अराउंड नंबर याद रखो, मैं हूं अभी 137 फ्रेम पे और फॉर्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट सेम स्टेप रिपीट करूंगा मैं, मेरा न्यू पार्टिकल, जो मेरा पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल प्लस जो मेरा न्यू स्फीयर है, और आपका कोई भी शेप हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्फीयर, यू कैन टेक एनी शेप और यू कैन टेक एनी 3D मॉडल, दैट इज फाइन। ठीक है, सो ये मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं, और इफ यू वॉन्ट आई कैन टेक अ इंस्टेड ऑफ दिस रेगुलर स्फीयर यू कैन टेक सम 3D मॉडल,
बट वो काफी हैवी हो जाएगा अभी के एग्जाम्पल से, तो मैं जस्ट वही रखता हूँ फिलहाल, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिलहाल, हम लोग बेसिक एग्जाम्पल से देखते हैं, पहला समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, फिर हम लोग थोड़ा और ड्रामेटिक एग्जाम्पल के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस मेरा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, दोनों सिलेक्टेड है। कुछ नहीं, सेम चीज करूंगे हम लोग, गोल के अंदर ऑप्शन बॉक्स में 1 होना चाहिए गोल वेट। ओके, जस्ट क्रिएट पे मैंने क्लिक कर लिया है। तो अभी क्या होगा, दोनों का गोल वेट अगर मैं पार्टिकल पर चले जाऊं तो नाउ वी हैव टू गोल वेट, दिख रहे हैं आप, गोल वेट 0 एंड 1, नाउ वी हैव टू गोल वेट और दोनों को 1-1 है, मतलब दोनों का 50-50%, दोनों के बीच में कुछ तो फॉर्म होगा ऐसा, ठीक है, वो परफेक्ट शेप फॉर्म कर रहा है, दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो अभी हम लोग को याद है कि हम लोग अराउंड 137 है, 137 नंबर याद है, राइट। तो ये हम लोग का फर्स्ट जो गोल वेट था जो 0 है वो कंप्लीट हो चुका था, तो इसको मैं पहले तक इसको 0 रखूंगा, ये वाला जो गोल वेट है इसको 0। तो यू कैन सी कि 137 तक ये फॉर्म हो रहा है मेरा पहला, एकदम सिस्टमैटिकली फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग जाते हैं 137 फ्रेम पे, और 137 तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे सेट की सिलेक्ट, और ये दोनों के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन है, ऐसा लगना चाहिए कि लिटरली पार्टिकल्स बाहर आ रहा है और यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ना 137 को समझ लो 140 है, लेट्स टेक इट टू थोड़ा लंबा टाइम, 200 फ्रेम तक जा रहा है, ठीक है, 201 पे जा रहा है, इसको यहाँ पे रिवर्स करेंगे, यहाँ पे ये मेरा गोल वेट हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये 1, और इसको काफी एक अच्छा टाइम मिलेगा ट्रांसफर करने के लिए उसको इधर से उधर, ये इतने टाइम में वो ट्रांसफर होगा जिसको हम लोग बेसिकली एंजॉय कर पाएंगे पार्टिकल्स को, ठीक। लेकिन ये बहुत थोड़ा फास्ट टाइमिंग हो रहा है, थोड़ा इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझे देखना है इसको लाइक रियली वो स्लो होना चाहिए। तो मैं और आराम से लेके जाऊंगा लाइक 300 फ्रेम तक जा रहा है, ओके, नाउ विल जस्ट प्ले एंड चेक इट आउट, और ये आराम से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज है कि अब 137 पे जो भी पार्टिकल्स फॉर्म हुआ है यहाँ पे, उसके बाद आई डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, जो भी है पार्टिकल्स बस वही पार्टिकल्स ट्रैवल होना चाहिए, वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो हम लोग एवरी टाइम करते हैं एमिटर के अंदर, जो हम लोग का एमिटर का जो रेट है 300, तो 137 तक मैं ऐसे करूंगा वी सिलेक्टेड, नेक्स्ट फ्रेम से वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, तो नेक्स्ट फ्रेम से ही इसे हम लोग कर देंगे 0, ठीक है। तो अननेसेसरी का टेंशन नहीं थी क्या हो रहा है, तो अभी पार्टिकल 0 हो चुके, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स एमिट नहीं होगा, और प्ले करके चेक कर रहा है। तो यू कैन ट्रांसफर लाइक गोल्स यहाँ से वहां पे इजीली, तो जो पार्टिकल्स हैं वही पार्टिकल जो शिफ्ट हो जा रहा है, सिंपल। और एक चीज कर सकते हो, जैसे कि सपोज अगर मैं नीचे डिस्क रख रहा हूँ, एक बेसिक डिस्क रख रहा हूँ यहाँ पे, इसका रेडियस बढ़ा दे रहा हूँ, ओके, और ये स्फीयर को भी हम लोग चाहिए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, और इसके अराउंड हम लोग ये डिस्क को रखेंगे नीचे, और इसे हम लोग करते हैं थोड़ा सा साइड में, ओके, और इसका हम लोग बढ़ा देंगे रेडियस थोड़ा सा एजिस और अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा फोर कर देते हैं ऐसे, थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके जाते हैं 600 फ्रेम्स तक, ओके। तो आई एम जस्ट प्लेइंग विद द गोल वेट, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट सिस्टमैटिकली, और हम लोग को क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जस्ट डिस्कवरिंग दैट। तो अभी यहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो चुका है, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल्स इसे छोड़ दें, इस ऑब्जेक्ट को ये पार्टिकल छोड़ दें, क्या करेंगे, तो एटलीस्ट यहां तक तो पकड़ के रखें जहां तक मेरा माउस है, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग कर देंगे ई सिलेक्टेड, एटलीस्ट यहां तक तो होना चाहिए, वरना स्टार्टिंग से गिरना शुरू हो जाएगा वो, थोड़ा टाइम के बाद में हम लोग जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं इसे 0 कर दे रहा हूँ कि अभी पार्टिकल कहीं का ना रहा, ना ये लेगा ना ये लेगा, छोड़ देगा, दोनों के दोनों छोड़ देंगे, मतलब पार्टिकल सीधा नीचे गिरेगा, देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस कनेक्टेड है, पार्टिकल सीधा नीचे गिरेगा, डन। लेकिन पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे होल्ड करने के लिए
इससे हम लोगों को देना होगा पैसिव कोलाइडर, जैसे पैसिव कोलाइडर बनाना होगा ओके, और प्ले करते हैं। पार्टिकल यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है और ये मेरा गिर गया, सिंपल यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म हो रहा है। और जो मेरा ये पार्टिकल फॉर्म हो रहा है थोड़ा अजीब तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो एमिटर को थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि वो पार्टिकल सिस्टमेटिकली फॉर्म हो सके। और अभी मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि वो बीच में बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ले रहा है लाइक उसको फॉर्म होने के लिए, क्योंकि ये पैसिव कोलाइडर है तो उसको टच करके मत रखो, आपको भी फिर अच्छा अजीब सा शेप मिलेगा। और इतने अच्छे से पार्टिकल नहीं गिरना चाहिए जो गिर रहा है इतना प्यार से, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे टर्बुलेंस देना होगा। तो एग्जैक्टली यही लोकेशन के अराउंड जहाँ पे मेरा, अगर मैं पार्टिकल्स में जाऊँ चेक करूँ तो जो मेरा स्विचिंग पीरियड है यहाँ पे जो गिर रहा है, इसके बाद यहाँ पे मेरा टर्बुलेंस एक्टिवेट हो जाना चाहिए, दैट इज अराउंड फ्रेम 434। तो फ्रेम 434 के अराउंड मेरा ये पार्टिकल ये हो जाना चाहिए। ओके, तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो सिंपली मेरा एन पार्टिकल सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम लोग इसे बोलेंगे टर्बुलेंस और जस्ट की सिलेक्टेड। और एक फ्रेम पहले तक मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए इसका, और मेक श्योर कि कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं है ना। तो क्या होगा कि वो टर्बुलेंस तभी एक्टिवेट होगा जब वो नीचे गिर रहा है। इसमें आपको जितने भी फील्ड एक्टिवेट करना है, आपके फेवरेट फील्ड हम लोग ने बहुत कुछ देखा हुआ है, एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरह से वो गिरना चाहिए, और जब भी गिर रहा है एग्जैक्टली वही टाइम पे मैं चाहता हूँ कि वो जमीन पे अटैच हो जाए, ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर जगह पे इसे फ्रिक्शन दे देता हूँ ताकि वो एटलीस्ट इसके ऊपर वो अटैच हो जाए, और फिर भी अगर स्प्रेड हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा उसको स्टिकीनेस दे देंगे तो एकदम ही स्टॉप हो जाएगा जगह पे वो। तो लेट्स सी, गया, और जब भी गिरेगा तो वो वहाँ पे वो जस्ट स्टॉप हो चुका है, ये परफेक्ट, ये सही है, परफेक्ट, सिंपल है गोल वेट। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट थिंग जहां पे हम लोग ने गोल वेट का बेसिक यूज देखा कि हम लोग किस तरीके से गोल वेट को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सेकेंड फेज पे, दैट इज माई मैश नेटवर्क। थोड़ा न्यू है, हम लोग इसको ग्रेजुअली हम लोग काफी कुछ इसमें लर्न करने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझेगा तो डोंट वरी, हम लोग इसमें काफी कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं काम कर रहा हूँ, अभी हम लोग नेक्स्ट फेज पे जाने के पहले इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। और टुडे इज फ्री और पूरा डेट हम लोग सेव करके रख लेते हैं यहाँ पे 3/9/2021 और एक बैकअप। तो हम लोग ने देखा था पार्टिकल्स को अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है तो हम लोग इंस्टेंसर यूज करते हैं। आज मैं अल्टरनेटिव वे दिखा रहा हूँ इंस्टेंसर का, अल्टरनेटिव वे हम लोग मैश नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैं सिंपल सा क्यूब ले रहा हूँ और पेपर कर रहा हूँ, और ये काफ़ी बड़ा है, अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो काफ़ी बड़ा है। और उसकी जगह पर आप लोग को जो भी चाहिए, आप लोग को एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, सर्फेस है, फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, फूड भी, एनीथिंग, यू कैन टेक एनी थिंग। बहुत हैवी होगा तो सिस्टम क्रैश हो सकता है, तो एक लो रेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बना के आप लोग उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसका हाई पिक और दैट जस्ट टेक इट टू 0.3, छोटा सा रख रहा है एकदम 0.3, देख रहे हैं काफ़ी छोटा है, और इसे हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे पार्टिकल से। कैसे करेंगे देखते हैं, डायरेक्टली इंस्टेंस से रिप्लेसमेंट नहीं, इसे हम लोग पहले मैश नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, मैं जा रहा हूँ मैथ में, क्रिएट मैथ नेटवर्क, डन। मेरा यहाँ पे एक 4 लाइन ऐसा क्रिएट हो चुका है, अगर मैं 4 प्रेस करूँ यहाँ पे तो यू कैन सी कि ये मेरा मैथ नेटवर्क का लाइन कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज द वन। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसके ऑप्शन बॉक्स में जा रहा हूँ, और कुछ नहीं, यहाँ पे जो लीनियर है इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कैसे काम होता है। ये 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए सिनेमा 4D का अल्टरनेटिव करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं।
इट इज वेरी गुड फॉर योर 3D मोशन ग्राफिक्स. तो आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो. तो यहाँ पे मैंने इसको जस्ट डिफॉल्ट पे लेके आ गया है जो भी है लाइक. तो अभी क्या करना है इसके साथ में, ये मेरा मैच नेटवर्क है और मैंने जस्ट जो डिस्टेंसिंग है मैंने जीरो कर दिया है. आपका पार्टिकल्स को आपको इस मैच नेटवर्क से कनेक्ट कर देना है. कैसे करोगे, इसमें हम लोग का ऑप्शन है, बस एक सिंपल सा छोटा सा ऑप्शन है. अगर यहाँ पे जाएंगे हम लोग यूटिलिटीज में मैच के अंदर ही, सिंपल सा ऑप्शन है यूज एन पार्टिकल टू डिस्ट्रीब्यूट मैच पॉइंट. जो भी मैच पॉइंट का जो भी है इंफॉर्मेशन वो एन पार्टिकल से कनेक्ट हो जाएगा. सिंपल, जिस आपका एन पार्टिकल पहला सिलेक्ट करोगे मैच को सिलेक्ट करना है और ये ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं हम लोग. डन हो गया हम लोग का काम. तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे. ओके, तो यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे रेंडर में रिपोर्ट 2.0 ठीक है. तो अभी ये केस में मैं यहाँ पे सिंपली एक काम कर रहा हूँ, इसे सेव कर रहा हूँ और इसका एक बैकअप कर दे रहे हैं, इसको सी कर देते हैं. और इस पर्टिकुलर पार्टिकल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे ये सब पेयर्स को हम लोग कर देते हैं हाइट. और थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर लाइट और ये सब आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखते, ताकि हम इसको और अच्छे से एंजॉय कर सकें. पार्टिकल्स को ग्रिड ऑफ कर देते हैं. चलो पहले आउटपुट ही देख लेते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद में हम लोग लाइटिंग्स देंगे, सब बाद में करते हैं. लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट क्या चल क्या रहा है. क्यूब ओके, काफी सिस्टमेटिक क्यूब फॉर्म हो गया है. और यहां से इसको छोड़ के वो शिफ्ट हो गया बाजू वाले ऑब्जेक्ट पे और फाइनली बॉस्ट होके नीचे गिर जाना चाहिए. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ओके फाइन, वन सेकेंड यू कैन सी क्या हो रहा है. तो अभी यहाँ पे लेट्स से मुझे साइजेस में वेरिएशंस चाहिए. लाइक इतना सिस्टमैटिक जो साइजेस आ रहे हैं वो सब नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेरिएशंस चाहिए साइजेस में. जो क्यूब के जो साइजेस हैं उसमें लेट्स से मुझे रेंडमाइज करना है. तो मैं मैच के अंदर जाऊँगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है. मैं मैच नेटवर्क में जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जो 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मुझे है ना एक रैंडम वैल्यू चाहिए स्केल के अंदर अलग अलग साइज में. मैं यहाँ पे सिर्फ रैंडम पे क्लिक करूंगा, हो गया. तो इसने मुझे तीन चीज में रैंडमाइज करके दिया, पोजीशन में, हम लोग यहाँ पे रोटेशन में कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल में कर सकते हैं. तो इसने मुझे पोजीशन में करके दिया है. तो ये पोजीशन को आप लोग डिफॉल्ट अगर नहीं रखना है तो जीरो कर लो इसको, तो भी चलेगा. यहाँ पे स्केल में मैं इसको बोलूंगा यूनिफॉर्म स्केल, अदरवाइज वो सब जगह से क्या करेगा ऐसा डिस्टॉर्ट करेगा, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा. तो वी डोंट वांट दैट, यूनिफॉर्म लेता हूँ फिलहाल में अभी और स्केल एक्स कर लेता हूँ. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे वेरिएशन मिल चुका है साइजेस में. इसे मुझे और छोटा करना है क्यूब को, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा जो क्यूब है वो इज माय क्यूब, दिस इज द वन. और क्यूब में जाके हम लोग यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे. तो इंस्टेड ऑफ 0.3 विल से 0.1, बहुत छोटा कर दिया. तो नाउ यू कैन सी द वेरिएशन इजीली क्या चल रहा है. ओके, और इसको अच्छे से एंजॉय करने के लिए इफ यू हैव लाइट्स एंड ऑल दैट देन इट विल लुक ऑसम. सो आई एम गोइंग टू पुट सम लाइट ओवर हियर. So we have Arnold and I'm going to take this light, this is my real light, and if I just press 7, so we can see the light. और इसको हम लोग कर लेते हैं scale up और हम लोग कर देंगे exposure to 10, change कर देंगे color. थोड़े बॉम्ब कलर, थोड़े कूल कलर्स
ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। करेंगे इसका डुप्लीकेट कॉपी और रोटेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसको थोड़े वार्म कलर्स, थोड़े स्ट्रॉन्ग वार्म कलर्स। और यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सपोजर की तो हम लोग और एनहांस कर लेते हैं। लाइटिंग के साथ में हम लोगों को शेडो आ जाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, जहाँ मेरा लाइट और शेडो सब एक्टिव है और थोड़ा क्वालिटी एनहांस कर लेते हैं, देखने की जो क्वालिटी है। सेव करते जाओ, बैकअप करते जाओ, इन केस कुछ इश्यू होता है तो वी कैन ओपन द फाइल एंड वी कैन चेंज थिंग। तो अभी इसे हम लोग करेंगे सिर्फ मुझे हार्डवेयर 2.0 के अंदर एंटी अलाइजिंग बढ़ा देता हूँ। एम्बिएंट ऑक्लूजन भी ऑन कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ मिल जाएगा, मोशन ब्लर भी कर सकते हो, थोड़ा सा और ऐसा डेप्थ और शैडो देखने के लिए आपको अच्छा मिल जाएगा। फाइन, देखते कि कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है वो, इसे जस्ट प्लेन चेक इट आउट। ओके और यहाँ पे काम और करेंगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से एंजॉय करने के लिए। आप बैकग्राउंड में एक SDR लाइट सर्च कर सकते हो और उसको हम लोग SDR लाइट भी डाल सकते हैं पीछे बैकड्रॉप में, तो बहुत ज़्यादा वो अच्छा एक इम्पैक्ट आ सकता है उसका। यहाँ पे एक मैप डाल दोगे बहुत अच्छा लगेगा। इंटेंसिटी मैं करता हूँ 0.8 जो एक सपोर्ट देने के लिए। ओके, प्लेन चेक इट आउट। अभी तक हम लोग ने इसको कुछ टेक्सचर और सब कुछ किया नहीं है, इससे लाइट का इंपैक्ट है। और आपको अगर चेक करना है लाइट का इंपैक्ट तो आप जाके सिस्टमैटिकली यहाँ पे आर्नोल्ड के अंदर भी रेंडर करके चेक कर सकते हो कि क्या चल रहा है। अच्छे से अगर देखना है तो यू कैन सी क्या चल रहा है सिस्टमैटिकली, उसको हम लोग रेंडर कर सकते हैं अच्छे से। ओके, सो यू विल गेट टू गेट द गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। ओके, तो ये जो एरिया लाइट है और ये सारे लाइट्स को हम लोग एक लेयर में लेके ऐसे टेम्पलेट रख देता हूँ ताकि एक्सीडेंटली वी डोंट वांट टू टच दैट। ओके, और एक चीज और कर सकते हो, आपका जो एरिया लाइट है यहाँ पे कंट्रोल ए कर रहा हूँ इसे मैं, यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट में जाकर फाइल में माई कंप्यूटर कंटेन्स नहीं, यहाँ पे कंटेन नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेस SDRI में से we have SDRI files here, but this is all in KB. We don't want that. We want a pure SDRI. Studio Live. See, this is pure SDRI. This is all Studio Live.
this is good. We can use that. We can use all this, but let's search for some other. Yes, this is going good. So I think we can use this one. तो इसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर वो कलर्स का काफी अच्छा आएगा. अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यू कैन सी इसका जो कलर का जो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा काफी अच्छा आएगा. अगर मैं इसको रेंडर करके चेक करूँ तो यू कैन सी अभी तक फिलहाल तो मैंने इसके ऊपर कुछ ये नहीं किया है, बट यू कैन सी द कलर इम्पैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल. और जो मेरा ओरिजिनल क्यूब है उसे मैं शिफ्ट अटैच कर रहा हूँ, अनहाइड कर रहा हूँ. और यहाँ पे इससे हम लोग दे देंगे न्यू मटेरियल. और आर्नोल्ड का एआई स्टैंडर्ड सर्फेस और रिसेट्स में इससे हम लोग दे देंगे गोल्ड या क्रोम. ओके, तो क्या होगा अब इससे मैं हाइड कर दे रहा हूँ कंट्रोल एच. यू कैन सी नाउ बेसिकली ये पूरा का पूरा क्रोम में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, तो मेरा जो फर्स्ट है कैमरा बेसिकली मेरा यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे ये कैमरा फॉर्म होगा कैमरे के अराउंड. तो यहाँ पे मेरा जो पॉलीस्फीयर का जो ये है कैम, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ, सेट की कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको फॉर्म होने देते हैं. फॉर्म होते होते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर तक का ये एरिया हम लोगों को एक्टिवेट थोड़ा दिखाई दे कि क्या चल रहा है ड्रामेटिकली. सॉरी देन आई थिंक स्पीयर पे क्लिक करके सब काम कर रहा हूँ मैं. पर्सपेक्टिव कंट्रोल ए और लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो मेरा फर्स्ट ये फ्रेम विजिबल होना चाहिए, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट फ्रेम पे, जस्ट सेट दी की और थोड़ा प्ले करता है. जब भी प्ले होते होते वो ऊपर जा रहा है तो मेरा यहाँ पे कैमरा मैं थोड़ा स्विच करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ फिर. तो जस्ट पहला हम लोग फर्स्ट ये चेक करते हैं ड्रामेटिकली ये फॉर्म हो रहा है. ओके, और थोड़ा सा इसको मैं और पीछे लेके जाके ये एंगल से चेक करता हूँ, सेट की करता हूँ. दिस इज मच बेटर. फिर वो शिफ्ट होगा तो ये फ्रेम पे जो फ्रेम पे शिफ्ट हो रहा है हम लोग भी उसके साथ में शिफ्ट हो जाएंगे. कहां तक वो देखो ये हो रहा है. अराउंड यहां से यहां तक मैं इसको बेसिकली सेट की करके रख रहा हूं और हम लोग उसके साथ में ही शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से. और एक पर्टिकुलर फ्रेम के बाद ना जस्ट चेक इट आउट क्या हो रहा है आपका कैमरा एनिमेशन सही है. देन ग्रेजुअली वो शिफ्ट हुआ. ये दूसरा शेप भी हो सकता है आपका कोई भी. और यहां पे ये बॉस को नीचे गिर गया. एटलीस्ट यहां तक वो स्टेबल है. और जब ये नीचे गिर रहा है यहां पर थोड़ा हम लोग इसको और प्ले करेंगे इसके साथ में. नाउ प्ले एंड चेक इट आउट क्या चल रहा है. सिंपल. तो हम लोग का अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज था एनिमेशन कैमरा एनिमेशन वो भी कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद भी हम लोग और एक स्टेज आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग थोड़ा मैश नेटवर्क में और आगे देखेंगे कि जैसे कि सपोज मुझे आपस में इन लोगों को कनेक्ट करना है सारे पार्टिकल्स को, तो वो मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा. तो मैश के अंदर जा रहा हूँ मैं, मैश के एट्रीब्यूट के अंदर
समथिंग कॉल्ड 12th, तो मैं जस्ट बेसिकली 12th ऐड कर दे रहा हूँ और जस्ट प्लेन चेक इट आउट, क्योंकि जैसा 12th जैसा कुछ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जाना है, ज्वाइन दी डॉट्स करना है, तो वो आपस में बेसिकली एक कनेक्ट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो एक ऐसा लाइन दिखाई देगा आप लोगों को। तो जस्ट प्लेन चेक नाउ, तो आपस में एक ये लाइन फॉर्म होना शुरू हो चुका है इस तरह से। अभी क्या हुआ कि मेरा कैमरा मैंने मूव करके जो भी किया, मेरे को कैमरे को लॉक कर देना चाहिए था, तो वो कैमरा एनिमेशन उसने ले लिया उस पर्टिकुलर फ्रेम पे परस्पेक्टिव में यहाँ पे, तो इससे मुझे करना होगा कट। और तो अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, फिर मैं मूव कर सकता हूँ इधर उधर कैमरे को, तो देयर विल बी नो इश्यू। ठीक, तो सिंपल एक बीच में दिख रहा है, बेसिकली एक लाइन कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे रैंडम के अंदर है ना, थोड़ा सा और ड्रामेटिक करने के लिए मैं जा रहा हूँ मैच में, मैच एडिटर के अंदर। तो ये सब हम लोग ने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूट, और हम लोग ने रैंडम नोट लिया हुआ है, तो रैंडम के अंदर हम लोग ने पोजीशन को मैं यहाँ पे और मूव कर सकता हूँ और थोड़ा ड्रामेटिकली देखने के लिए। तो लेट्स टेक इट टू 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 टू, थोड़ा सा ड्रामेटिकली देखने के लिए कि क्या चल रहा है। अच्छा, मेरा ऑटो की ऑफ है, तो देयर विल बी नो इश्यू। सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे डॉट्स से, और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, तो थोड़ा 0.5 भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ये रहेगा, लाइक क्लियर पूरा अपना शेप खत्म नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यू कैन सी। स्टॉप करते हैं हम लोग इससे और जस्ट रेंडर एंड चेक इट आउट की क्या चल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा रेंडरिंग में। सिंपल, और यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपका जो ओरिजिनल जो पॉली क्यूब है ये, उसको आपको जैसा भी आपको इफेक्ट देना दे सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे अगर मैं रेगुलर सेल्फ क्ले रखूँ तो भी चलेगा, यू कैन सी दिस इफेक्ट। और यहाँ पे ये सबको हम लोग अभी कर देंगे आई थिंक, इसको टेम्पलेट कर देंगे दे। ताकि एक्सीडेंटली इसको हम लोग टच नहीं करें। यहाँ पे शेडो अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो शेडो मैं ऑफ कर दूंगा तो आई थिंक इतना मजा नहीं है, शेडो से ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, ऑन करके ही रखते हैं उसको। शो में लाइट्स ऑफ कर दे रहा हूँ लेकिन उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया कि इम्पैक्ट है उसका, इम्पैक्ट है, लाइट्स ऑफ कर दिया हमने। और स्क्रीन का कलर मैं चेंज कर दूँ ब्लैक में, कैसा लगेगा। और ये जो रेडियस है बॉटम सरफेस का, जस्ट इंक्रीज दैट पर्टिकुलर रेडियस। तो कैसा है, ठीक है, सेव करते हैं इसे और इसे हम लोग निकालेंगे इसका भी क्ले ब्लास्ट। क्ले ब्लास्ट निकालने के लिए सिंपल रूल है कि आपका यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स के अंदर मेक श्योर कि फुल एचडी होना चाहिए आपका, तो काफी अच्छा इसका आउटपुट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे रेजोल्यूशन हम लोग 300 रख लेते हैं। मेक श्योर क्ले ब्लास्ट के टाइम पे ये सब ऑफ होना चाहिए, शो टूर्नामेंट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्यूटी में S264 1 और कहाँ सेव हो रहा है, तो हम लोग थर्ड में आज के डेट में डाल दे रहा हूँ 3 9 2021। ठीक, सेव कर रहे हैं इसे हम लोग।
और इसका हम लोग एक निकाल लेंगे प्लेट ग्लास, फॉर्मेंडस अरे सब सही है, ओके प्लेट ग्लास।